गाइस, गुड इवनिंग। मैं किचन में आ गई हूँ। इवनिंग स्नैक मिल्की ब्रेड सैंडविच बनाने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल इंडियन अलका ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और नीचे जो राइट साइड में सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो और सब्सक्राइब के बगल से जो एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी आप प्रेस कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने क्या क्या लिए वो आपको मैं बताती हूँ। ये एक कटोरी रवा है जिसको सूजी भी बोलते हैं, और ये एक टमाटर है जिसको मैं अभी चॉप करूँगी, और ये मैंने चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्च है। इसको मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, रिव्यू दिया था हैंडी वेजिटेबल चॉपर का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है ये काम और बहुत टाइम बचता है। देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसा होता है, ये हैंडी वेजिटेबल चॉपर है, प्रेस्टीज कंपनी का है। आप इसको देख लीजिएगा कितना कैसा, मतलब इस पर चॉप करते हैं, इसका रिव्यू आप देख लीजिएगा। और ये मैंने दूध लेके रखा है, लेकिन ये मलाई वाला दूध है तो इसमें अच्छी मलाई भी रहे, क्योंकि दूध थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और ये धनिया पत्ती है, इसको भी मैं अभी चॉप करूंगी। ये मैंने ब्रेड की स्लाइस ली हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये रवा को, एक कटोरी जो हमने रवा लिया है इसको एक बाउल में डाल लेंगे। ये मिल्क जो मलाई वाला मिल्क है इसको धीरे धीरे डालते जाएंगे। दूध को सोख लेगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए चला करके देख लेंगे कि जितनी जरूरत होगी हमें दूध की उसमें और डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा देर दूध डाल करके इसको थोड़ा देर रख देंगे, जैसे जितना रवा को सोखना है मिल्क उतना सोख लेगा। ये हमारा स्नैक थोड़ा रिच बनता है क्योंकि इसमें मलाई वाला दूध है। ये देखिए हम इसकी, आप देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह रखेंगे। अभी ये जरूरत पड़ेगी तो और भी मिल्क डाल सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना रख करके इसको ढक करके रख देंगे जब तक हम चॉपिंग कर लेंगे। चॉपर में भी चॉप कर सकते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा पिस जाता है और टमाटर का पूरा पानी छोड़ देता है। जितना भी बारीक आपसे हो सके उतना करेंगे। इसी तरह धनिया पत्ती को भी अच्छे से इसको धो करके बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ठंड के मौसम में सब्जियां तो वाकई बहुत अच्छी आती हैं। जो प्याज है ये मैंने छोटी छोटी चार ली है, और हरी मिर्च चार पांच है। आप चाहे तो गाजर, शिमला मिर्च ये भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, जैसा आपके घर में लोग पसंद करते हो। तो देखिए ये हमारा कुछ ऐसा बन गया है, बस इतना ठीक है, ये इतना ही रहना चाहिए। इसमें नमक भी डालना है, मैं भूल गई थी पहले बताना, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इसमें नमक मैं ऐड कर देती हूँ, मैं प्याज डाल देती हूँ, टमाटर डाल देती हूँ, धनिया पत्ती भी डाल देती हूँ, डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है स्नैक्स, और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए अब हम तवा चलाएंगे।
इसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। हम पूरे ब्रेड में फैला लेंगे मिक्सचर को, और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे तवे में। तो जिस तरफ मिक्सचर लगाया हुआ उसी तरफ पलट देंगे, तो धीरे धीरे तेज करेंगे, ज्यादा जोर से नहीं करेंगे। फिर इस तरफ भी थोड़ा सा घी डाला देंगे।